हाँ तो वेलकम जी वेरी मच। आप सबको तो पता ही है कि जितनी तेज़ी से अभी कुछ सालों में मोबाइल और आईटी फील्ड की ग्रोथ हुई है, उतनी तेज़ और कोई फील्ड नहीं हुई है। मतलब पता ही नहीं चला कि कब एक फीचर्ड फ़ोन से एक स्मार्टफोन बन गया, और ये ज़्यादा नहीं बस 10 साल के अंदर हुआ है। और कहाँ एक इंटरनेट के लिए कुछ साल पहले साइबर कैफे जाते थे, और फिर सिर्फ 1 GB डेटा के लिए 300 रुपये का रिचार्ज करवाते थे। अब तो 300 रुपये में 3 महीने के लिए और रोज़ 1 GB मिलता है, और वो भी कम लगने लगा है। स्मार्टफोन्स भले ही काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, वो है चार्जिंग की। आपके पास चाहे कितना भी अच्छा फ़ोन हो, दिन में एक बार तो आपको चार्ज करना ही पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन में फ़ोन चार्ज नहीं कर पाते, तो फ़ोन को पूरी रात चार्ज में रख देते हैं ताकि अगले दिन के लिए काम हो जाए। आप देख रहे हो परम ज्ञान, तो जानते हैं क्या पूरी रात फ़ोन चार्ज में रखना सही है? अगर आपकी भी आदत पूरी रात फ़ोन चार्ज में रख के सोने की है, और वो फुल 100% चार्ज होने के बाद भी चार्ज होता रहता है, तो आपने सोचा होगा या किसी ने आपको बोला होगा कि इससे बैटरी ख़राब हो जाएगी या फ़ोन ख़राब हो जाएगा। लेकिन जिसने भी स्मार्टफोन्स का नाम स्मार्ट रखा है, वो बिल्कुल सही रखा है। वो इसलिए क्योंकि अब जो भी बड़ी कंपनीज के मोबाइल आ रहे हैं, वो ऐसे सर्किट के साथ आते हैं जिसमें जैसे ही मोबाइल फुल चार्ज होता है, तो आपको मोबाइल बैटरी की जगह उसी चार्जर पे चलने लगता है, जिससे अब बैटरी पे ना कोई लोड आता है ना कोई ख़राब होने की टेंशन। तो कभी भी आपको लगे कि मुझे कल पूरे दिन फ़ोन चार्ज चाहिए, तो आप बिना टेंशन के उसे पूरी रात चार्ज में रख दो। बहुत सारे स्मार्टफोन यूज़र के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम ज़रूर आती है, और प्रॉब्लम यह है कि उनकी फ़ोन की बैटरी धीरे धीरे हर बार ख़राब होने लगती है, चाहे उनके पास कोई भी स्मार्टफोन हो। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे आपकी बैटरी हेल्दी रहे। स्मार्टफोन्स कंपनी कहती है कि आपको बैटरी को हेल्दी रखने के लिए उसकी बैटरी की चार्जिंग 30% और 90% के बीच में रखनी है। मतलब जैसे ही आपका फ़ोन 30% के पास पहुँचे तो उसको चार्जिंग में लगा दीजिए, और जैसे ही 90 से ऊपर जाने लगे तो उसे चार्जिंग से निकाल दीजिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक फैक्ट है। दूसरी टिप ये है कि जो चार्जर आपके फ़ोन के साथ उसका खुद का ओरिजिनल आया है, वो ही हो सके तो यूज़ करिए, कोई भी दूसरे फ़ोन का अपने फ़ोन में चार्जर नहीं लगाएं। क्योंकि बहुत सारे फ़ोन अलग अलग पावर की वैल्यू लेते हैं, जो अगर आप दूसरे फ़ोन का चार्जर लगाएंगे तो मिसबैलेंस हो जाएगी। थर्ड टिप है रिमूव अनवांटेड ऐप्स। अपने फ़ोन से वो सारे ऐप्स हटा दीजिए जो आपके काम नहीं आ रहे हैं। ये सारे ऐप्स पीछे से बहुत सारी मेमोरी खाते हैं और पीछे पीछे अपना बैकग्राउंड प्रोसेस चालू रखते हैं, जिससे हर टाइम अपना प्रोसेसर और रैम चालू रहता है और बैटरी ख़त्म होती रहती है। हो सके तो अपने फ़ोन में जितनी भी एनिमेशंस है उसे कम कर दीजिए। ये एनिमेशन पीछे चलती रहती है और बैटरी खाती रहती है। होपफुली एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए जिसे एक बार फ़ोन चार्ज में रखो 10 दिन तक चलने लग जाए, जैसे पहले नोकिया वाला चलता था वैसे ही।